थोड़ा नजदीक आओ ताकि आप बहन पढ़ सको। महाराज जी आप 4 दिन से मेरे सपने में रोज आ रहे हैं। हम तो बाकी सुधाम से कहीं नहीं जा रहे हैं। महाराज जी हनुमान जी भी 2 बार मेरे सपने में आए। ओ का कांती क्या कह रहे थे? बस कुछ नहीं बोला, बस दिखते हैं वो मुझे। राम राम साधु जी बोलो क्या समाधान पाया? महाराज जी मेरी दोनों गुड़िया उनकी तबीयत बहुत खराब रहती है, घर में यही परेशानी रहती है, सब बीमार बहुत रहते हैं। दूसरा मेरे पति की नौकरी का थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है। करते तो हैं, करते हैं पर थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहता है। हमने 3 बातें लिखी। और महाराज जी मेरी बहन की शादी भी है, थोड़ा उसका भी वो है। क्या मतलब? हमारा थोड़ा जमीन का चल रहा है, अभी देना है जमीन हमको। इमरजेंसी में उसका मतलब कुछ बिक नहीं रही है अभी। बीमारी घर में बनी, घर में कलेश भी बनता, दोनों बेटियां हैरान हो जाती हैं, पति को लोग परेशान करते हैं। अधिकारी अधिकारी यस सर, आपके पति अधिकारी के कारण परेशान, अधिकारी परेशान करते हैं, बार बार घेरना चाहते हैं। उनसे कह देना बाल बांका नहीं होगा, भूमि का विक्रय 2024 के पूर्व में हो जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। कोई भी भूत बाधा नहीं है जी महाराज। इनको इन्फेक्शन बन जाता है, बुखार जुखाम की दिक्कत बन जाती है जी, जी। एक को पकड़ता एक को छोड़ता जी। दवा काम नहीं कर रही है जी। पूरा घर हैरान है जी। बीमारी के कारण जी। पेट की दिक्कत भी सबको बन रही है जी। जिस कारण से ग्रसित है, आंतों की समस्या बताई है जी। आपने कुल की पूजा में सुधार भी कर लिया है जी। उसके बाद भी आराम नहीं लगा जी। हमने ये आपका कारण भी निकाला, जो स्थान है वहाँ पर दिक्कत है जी, निवास पर जी। चूंकि पुराना निवास है जी, पुराना मकान है आपका, एक नया अलग जगह, पर ये पुराना जो वाला निवास है वहीं पर जो पूर्व में पुराने वाले 2 कमरा जी, लकड़ी वाले थे हाँ। वहीं पर आपके यहाँ योगनी का वास है जो 2004 से हैरान कर रहे जी, पूरे परिवार को, और कई बार दिखी भी है जी। मेरी दादी सास बहुत परेशान लगातार जी, और उनको सवारी भी बनाती रही जी, शरीर भी कपाती रही जी, प्रत्यक्ष भी अभी कई बार दिख जाती है जी, बंधन भी बहुत बार करवा लिया, बंदेज करवा लिया, सुंदर कांड का भी पाठ करवा लिया जी, और वहाँ पर गोमूत्र का छिड़काव भी कर लिया जी, सब अभी कर आपने लिया। कुछ पिछले दिनों में गोबर से वहाँ पर लीप करके उपाय किया, लेकिन उसमें कोई भी लाभ नहीं हुआ। आप वहाँ पर अखंड रामायण करवाएं, हम सेना भेजेंगे, लौट कर तुम्हारे घर में वो नहीं दिखेगी, जाओ आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। क्या बात एकदम सही जी महाराज जी, कोई संदेह नहीं महाराज जी। राम गुरु जी सीताराम सीताराम, आपकी अर्जी दूसरी जगह भी लगी है घर की? नहीं। लगी है, मैंने बड़वानी में आप आए थे ना महाराज जी, वहाँ पर भी अर्जी लगाई थी। पर्चा बना था क्या? जी नहीं, वहाँ नहीं, मतलब भीड़ में बैठे थे जी। ठीक है, हमने दरबार का नाम एक जगह जहाँ आपकी अर्जी लगी जी, आपकी अर्जी एक जगह और लगी। नहीं लगी, मैं पहली बार यार। नहीं दरबार में नहीं, हमारे दरबार में नहीं, अन्यत्र की बात बता, अन्यत्र की, बोलना नहीं है माइक से जी। लगी यहाँ जी? झूठ नहीं बोल रहा जी, हम किसी भी दरबार की बुराई या वो नहीं करते जी, इसीलिए माइक से नहीं बोलना, पर ये वो नाम है जहाँ लगी है जी। लगी है जी। साधु जी कोई बुराई नहीं है वहाँ से जी, लेकिन वहाँ जाना छोड़ना नहीं है, धाम भी आना, यहाँ जाना छोड़ना। मेरे भाई ने आपके लिए कल से उपवास रखा है महाराज जी, कल आप आए, जब से उसने कुछ खाया नहीं है कल से वो उपवास कर रहा है आपके चलो, लिए पाँव परवा देगी होता है भैया, खा पी ले, कमजोर हो जाए, नहीं ता नशे तंजे, हम तो सुबह से अनार खा के यहाँ बैठे।